आज हम बात करेंगे एक खास पर्व के बारे में जो पूरे भारत में मनाया जाता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में। गुड़हल की फुलावा की मालावा पहनावा हो, अपना देवी मैया जी की आरती दिखावा हो, अपना देवी मैया जी की आवा आवा सखी घी के दियावा जलावा हो, आवा आवा सखी घी के दियावा जलावा हो, अपना देवी मैया जी की आरती दिखावा हो, अपना देवी मैया जी की गंगा जल से मैया के चरण पखारा हो, गंगा जल से मैया के चरण पखारा हो, अपना देवी मैया जी की आरती दिखावा हो, अपना देवी मैया जी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो इस वर्ष हर्षोल्लास से मनाई गई। आज हम आपको दिखाएंगे झारखंड के हजारीबाग जिला के अंतर्गत मिश्राइन मोढ़ा के ग्रामीण क्षेत्र में छठ महापर्व कैसे मनाई गई। छठ पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। इसका ये कहा जाता है कि इसका गाना ही सुनने के साथ हम लोग में एक शरीर में स्फूर्ति पैदा हो जाती है, जिससे कि मतलब हम लोग को एकदम मन में ऐसा लगता है कि हम लोग इसको करें ही बिल्कुल ऐसा लगता है। और ये ऐसा पर्व है जिससे गरीब या कोई भी निर्धन सबको इसमें करने की शक्ति मिलती है। माँ उसको पूरा सहयोग करती है करने की, हर कोई इसको करने की क्षमता रखता है। के करेलू छठ भरतिया की झाके झुमके, के करेलू छठ भरतिया की झाके झुमके, तो पूछी भरतिया हे भरतिया की एकरा लागी। छठ पूजा सिर्फ पर्व नहीं है हम लोग के लिए, छठ पूजा हम लोग के लिए एक इमोशन है। छठ पूजा एक महापर्व है जो कि हम लोग को दिल से अटैच कर देता है और हम लोग ना खींचते चले हुए आ जाते हैं। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष को ये त्योहार किया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की पूजा का पर्व है। यह पर्व खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस कठिन पूजा में भाग लेते हैं। ये छठ माँ और सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। इसमें ये महत्व जिनको जो मनोकामनाएं करते हैं उनका पूरा होता है। चलते खुशी कर रहे हैं बाबू कि हमारा कुछ जो मांग रहा है पूरा करे, चलते बहू को दे दिए। अब छठ मैया उसको आगे बढ़ावे, जैसा उसको बरकत होगा वो फिर अगला साल करेगी। ये पर्व चार दिन चलता है जिसमें श्रद्धालु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उबटन, जलार्पण और अध्रग्य अर्पित करते हैं। इस दौरान लोग नदी, तालाब या फिर किसी जल स्रोत के पास जाते हैं और सूर्य देवता को अध्रग्य देते हैं। यह पर्व परिजनों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। सभी श्रद्धालु इस पूजा को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। ये पर्व सूर्य देव के लिए विशेष कर से मनाया जाता है। अपने बाल बच्चों के लिए, संतान के लिए, सुहाग के लिए पर्व का महत्व माना जाता है। इस छठ मैया के पर्व में बहुत कुछ मानता है, अपना बाल बच्चा के लिए, अपना धन दौलत के लिए, अपना दुख दूर करने के लिए, और ये सब जो है से पूरा हिंदुस्तान में मनाता है। हम लोग का छठ पर्व जो है संपन्न हो गया और हमारे बाल बच्चा परिवार जो है सब अच्छा तरह से बिता दिए। और ये हमारा परंपरा जो है सो छठ मैया के महिमा का जो है
जो भी हम मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण रूप से मिल जाता है। हमारे गांव मिश्रायन मोढ़ा में बरसों से छठ पूजा मनाते आ रहा है। वहां से चलते हैं हम लोग जब दौरा उठा के, तो फिर देवी मंडप सीधे आते हैं। देवी मंडप से जो है शिव मंदिर जाते हैं, उसके बाद अपना घर परिवार सब अपना अपना प्रसाद के साथ सपन हो जाता है। इस दिन लोग खासकर उपवास रखते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का जलपान नहीं किया जाता। चार दिन की कठिन तपस्या के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अद्रग्य देने का महत्व विशेष रूप से होता है। छठ पूजा का एक और खास पहलू है, इसमें महिलाओं का प्रमुख योगदान है। ये पूजा कभी भी भेदभाव नहीं करता है। इस पूजे से हम लोग सिर्फ अपने रिश्तेदार परिवार से मिल सकते हैं, जिससे सबको साथ में एक समय बिता सकते हैं, जो बहुत अच्छा मेमोरीज क्रिएट करता है। ये बहुत अच्छा लगता है। ये पल बहुत ही मतलब सराहनीय पल होता है, जो कि हम लोग इसको चाहते हैं कि ये पल हम लोग को आए। साल भर का इंतजार मतलब करते हैं कि साल भर में हम लोग चाहते हैं कि ये पर्व आए, सब मिले, पूरा परिवार मिले। मन से संताप ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हरे स्वामी भूपीड़ा हरे वृष्टि विमोचन संतत वृष्टि विमोचन संतत। हम लोग जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम से, हम लोग इस चीज को मानते आ रहा है बुजुर्ग लोग, उसका हम लोग आज इस त्योहार को मान रहे हैं। महिलाएं इस पूजा को बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं और उनके साथ परिवार के सदस्य भी इस पूजा में भाग लेते हैं। साथ ही इस पूजा के दौरान पारंपरिक गीतों की भी गूंज सुनाई देती है, जो इस पूजा की पवित्रता और महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। जोड़ा बारी केला गंगा जी ने सोवन लाली दाजा सुरजा जालन गंगा जी ने सोवन लाली दाजा सुरजा जालन निमिया के ररिया लखपत तारे हे मैया मैया मांगे लगला सोना के सिंहासन हे मैया मैया मांगे लगला सोना के सिंहासन हे मैया हमरो जे बेटा वागे बाबा हे मैया हमरो जे बेटा वागे बाबा हे मैया मैया कहाँ है मैं सोने सिंहासन हे मैया। इस नियम को किया जाता है कि बच्चा सबका जैसे तबियत खराब होता है नहीं, जैसे छठ माता अभी दौरी लेने और छठ करने में सवार रहती है, पार होने से उल्लक का रोग दुख दूर होता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ना, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो हम लोग का मान्यता ये है कि अगर इस तरह किया जाए तो प्रॉब्लम हट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जैसा कि आप जानते हैं, छठ पूजा का पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। हर वर्ग और समुदाय के लोग इस पूजा में हिस्सा लेते हैं। सूर्य भगवान के लिए मनाते हैं छठ मैया, जो है सूर्य भगवान के ही मान है और सूर्य भगवान के जो है सब कास्ट मनाता है हमारा हिंदुस्तान में। हमने कल पेपर में देखा एक मुस्लिम बहन जो है 25 साल से छठ मना रहा है, एक क्रिश्चियन जो है सो मना रहा है 15 साल से, और एक जो है सो सरदार जो है वो भी मना रहा है 10 साल से। बोलो सूरज महाराज के, बोलो सूरज महाराज के, बोलो छठी मैया के, बोलो कुल देवता के, बोलो ग्राम देवता के। ट्राइबल इंडिया टीवी एक ऐसा चैनल है जो ट्राइबल्स के बारे में सारे अपडेट्स देता है। मैं तो यहाँ रहती नहीं और तुझे अच्छे से पता है कि इन सारी चीजों के बारे में मुझे जानना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कितना अच्छा लगता है, तो इसलिए यार यहाँ तो मैं भी नहीं रहती, प्लीज मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। इट्स सो सिंपल यार, देख यूट्यूब, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।